प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने नोएडा के सेक्टर 81 में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। सैमसंग कंपनी नोएडा में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का विस्तार कर रही है। इसके लिए कंपनी ने 4,915 करोड़ का निवेश किया है। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, यह आयोजन भारत के लोगों के एम्पावरमेंट में योगदान देगा और मेक इन इंडिया को भी गति देगा। इस उद्घाटन के लिए पीएम मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मेट्रो से पहुंचे। वैसे तो पीएम मोदी की लोकप्रियता आम जनता में छाई हुई है, लेकिन वहीं लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब आज आम जनता को मेट्रो में दिखे पीएम मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। मेट्रो की सवारी के दौरान पीएम मोदी के फैंस का तांता लगना जाहिर सी बात थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर उन्हें इशारा भी किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।